माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने ब्लेसड मोहम्मद अब्दुल्ला के विषय में किस प्रकार इस्लाम छोड़ करके क्रिश्चियन बन गया और एक संत का जीवन जी करके वो आज धन्य घोषित किया गया है और कलीसिया उनका आदर सम्मान करते हैं और उनसे मध्यस्थ मांगते हैं। और कल के क्लास में हमने ये भी देखा, अनेकों ऐसे लोग मुस्लिम परिवार से पुरोहित बन रहा है, बिशप बन रहा है। आज का क्लास भी उसी प्रकार एक विटनेस मुझे पढ़ने के लिए मिला उसी को। इससे पूर्व में मैं अनेकों क्लास इस प्रकार के सब्जेक्ट के ऊपर डाला और विशेषकर इन दिनों में हम लोग यही मनन चिंतन करते आ रहा है। कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हमारे बाइबल के विरुद्ध में कई पोस्ट डाल रहा है। हमारे नौजवानों को इस प्रकार उनके कुरान की ओर आकर्षित करने के लिए वही सत्य वचन है ये सब बोल करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। बीते दिनों में कम से कम 8-10 क्लास के द्वारा हम लोगों ने यह देखा, बाइबल किस प्रकार लिखा है, कौन लिखा है, कौन उसका अनुमति दिया है, कैनन बना करके दिया, लेकिन कुरान कैसे लिखा और कुरान के अंदर कितना गलतियां और कुरान में बोलने वाला अल्लाह कौन है, यह सब हम लोगों ने बीती दिनों में मनन चिंतन किया। और मुझे याद है एक बार मैंने एक क्लास लिया था एक बिशप जोनाथन अंसारी के विषय में। पंजाब में रहता था, विदेशी था, एक मुसलमान आतंकवादी था। इसके बाद उनका मन परिवर्तन हो करके वो क्रिस्तीय धर्म को प्रभु ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में अपनाते हैं और वो पुरोहित बना, बिशप बना। अभी 1-2 साल हुआ उनका मृत्यु भी हो करके। और यदि आप लोग पोटे जाते हैं वहाँ मुरिंगूर में आपने सुना होगा एक मारियो जोसफ के विषय में। वो एक मुस्लिम पुरोहित था। उन्होंने जब कुरान की पढ़ाई किया उनको ये पता चला सत्य ईश्वर ख्रिस्तियों का ईश्वर है। यदि एक व्यक्ति को मुक्ति पाना है ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है, इसलिए वह क्रिस्तीय धर्म अपनाते हैं और आज बहुत बड़ा एक सुसमाचार प्रचारक है। इसी प्रकार 40 वर्षों तक कट्टर इस्लाम विश्वासी 40 वर्षों तक दिन में 5 बार नमाज करना और रमज़ान में जो उनका जो पवित्र महीने में उपवास करना आदि आदि करते हुए जीवन जीने वाली एक महिला के विषय में आज हम सुनेंगे। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए उनके माता पिता बचपन से कुरान के विषय में अल्लाह के विषय में और प्रार्थना ये सब करवाते करवाते एकदम स्ट्रिक्टली इस्लामिक रीति से उनका पालन पोषण किया। उनका नाम आज है
निक्की किंग्सली। निक्की किंग्सली कहती है 40 वर्षों तक मैं इस्लाम के नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो कर करके आने वाली थी, घंटों बैठ करके अल्लाह से प्रार्थना करती थी, ईश्वर का अनुभव पाना चाह रहे थे, इसलिए घंटों प्रार्थना में बिताने वाली। लेकिन उनका कहना है कभी भी ईश्वर का अनुभव नहीं मिला। घंटों प्रार्थना में रहे लेकिन ईश्वर का अनुभव नहीं। उनको ऐसा लगता था उनकी प्रार्थना कहीं सामने एक दीवार है, उस दीवार में टकरा रहा है, नष्ट हो रहा है वहां। इसलिए उस ईश्वरीय अनुभव के लिए तरसते हुए उनका कहना है घंटों प्रार्थना करती थी। पाकिस्तान में उनका विवाह होती है और जैसे मैंने बीती क्लासों में बताया कुरान के अनुसार स्त्री का क्या इज्जत है, विवाहित एक पत्नी का क्या इज्जत है। निक्की के साथ भी वही हालत हुआ, उनके पति के द्वारा कोई सुख कोई आनंद उनको नहीं मिला। वैवाहिक जीवन एक स्त्री के लिए नरक के तुल्य। उस वैवाहिक जीवन में उनको 2 बच्चे भी हुआ और आखिरी में वो विवाह टूटते हैं। इस प्रकार वो अपने 2 बच्चों के साथ 30 साल की उम्र में उस दुख को भुलाने के लिए, उस पीड़ाओं को उठाते हुए सहन करते हुए वो अपने 2 बच्चों के साथ अमेरिका में शिफ्ट करती है। और वहां पर भी वो कुरान की पाठ पढ़ना और 5 समय पर प्रार्थना करना, वो दुख को भूलने के लिए घंटों प्रार्थना करते थे करके कहते हैं, लेकिन उनको कभी भी ईश्वरीय अनुभव, उस दुख को मिटता हुआ, उस दुख से छुटकारा पाता हुआ उन्हें नहीं अनुभव हुआ। उनका कहना है ईसा मसीह के विषय में जरूर वो कुरान के अंदर पढ़ा है, माता मरियम के विषय में पढ़ा है और उनका आदर सम्मान दोनों का है, नबी के रूप में ईसा मसीह का, उस नबी के मां के रूप में एक पवित्र स्त्री के रूप में माता मरियम का वो बहुत आदर करते थे, उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं था। लेकिन अमेरिका में उनका किसी दोस्त के द्वारा ईसा मसीह के विषय में और जानने का और उनके कारण वो एक कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा में भाग लिया। लेकिन उस दिन उनको अनुभव हुआ इन बीती वर्षों में इतना घंटों बैठकर के प्रार्थना करते हैं कभी ईश्वर का अनुभव नहीं मिला, लेकिन इस कैथोलिक चर्च में प्रवेश करते ही वहां प्रार्थना में भाग लेते ही उनको प्रभु का वो प्रेम का अनुभव, ईश्वरीय अनुभव, थोड़ा सा शांति का अनुभव उन्हें वहां पर मिलते हैं। इसलिए वह रोज सुबह उठ करके वहां के पास का जो कैथोलिक चर्च में जाना, मिसा में भाग लेना, ये सब शुरू किया। प्रार्थना के बाद वहां एक क्रूसित रूप है, दोस्त के साथ वहां पर भी जाते हैं, लेकिन वो मनी मन उस प्रभु ईसा मसीह से कहते थे मैं आपका आदर करती हूं लेकिन आप ईश्वर नहीं, आप नबी, क्योंकि कुरान की हर बात उनको याद आती। चर्च में जाते हैं, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव जरूर कर रहा है और साथ ही साथ वो मनी मन ये कहती है ईसा मसीह से तुम ईश्वर नहीं है, तुम ईश्वर का पुत्र नहीं है। इसी प्रकार हर बार करते थे। एक दिन इसी प्रकार चर्च गए, उस क्रूसित रूप उस मूर्ति के सामने जाकर के यही बोल रहे थे,
तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर का पुत्र नहीं है, तुम मात्र एक नबी है। मैं आपको प्यार करती हूं। लेकिन उस समय पर एक आवाज उन्हें सुनाई दिया। यह आवाज यही है, तू कौन है? यह निर्णय करने के लिए मैं कौन हूं या कौन नहीं है? मुझे क्या बन, मैं क्या बन सकता हूं या नहीं बन सकता, इसका निर्णय करने वाला तू कौन है? यह घबरा गई। इसके बाद वो थोड़ा सा शांत हुआ और उसके मन में फिर से यही आवाज, यदि सत्य को जानना है, अपने दिमाग के अंदर भरे हुए इन कचड़ाओं को निकाल दो और छोटे एक बच्चे के समान प्रभु के पास आओ। ये प्रभु के साथ ये एनकाउंटर इनके जीवन को बदलना शुरू किया। एक छोटा बच्चा बनना जरूरी है यीशु को जानने के लिए, यीशु का अनुभव करने के लिए। कौन यीशु है? अपने बुद्धि में जो कुरान से भर करके रखा हुआ वो कचड़ा, ये मुझे सत्य ईश्वर की ओर नहीं लेकर के जाएगा। इन्हें निर्णय किया, हां अब तक मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, वो सब कुछ मैं छोड़ रहा हूं। आज ही मैं एक बच्चे के रूप में सत्य ईश्वर को जानने के लिए तैयार हूं। उस समय पर अगला एक और चमत्कार हुआ। निक्की किंग्सली करती है, उस क्रूस से एक रोशनी उनकी ओर आते हैं। तुरंत एक छोटे बच्चे के रूप में वो फुट फुट करके रोने लगे, उसी स्थान पर घुटने टेके, जमीन पर गिर करके और जोर जोर से रोना विलाप करना शुरू किया। और इसके बाद जोर से वो चिल्लाने लगी, तू ही ईश्वर है, तू सचमुच ईश्वर है, मैं स्वीकार करती हूं। ये सबसे पहला ईसा मसीह के साथ एनकाउंटर। उस समय पर उनका उम्र थी 40 साल। इसके बाद बाइबल पढ़ना, यीशु के बारे में जानना, सत्य ईश्वर को जानना, और इसके बाद उस चर्च के अंदर बपतिस्मा ग्रहण करती है। और आज सारी दुनिया में गुम गुम कर करके सत्य ईश्वर और उस ईश्वर के द्वारा कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अपना ये गवाही देते रहते हैं। उनका अपना गवाही का किताब है थर्स्ट फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए जो प्यास, मोहम्मद से क्रिस्त की ओर, फ्रॉम मोहम्मद टू जीसस क्राइस्ट, थर्स्ट फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए प्यास। इसी किताब में उनके जीवन कहानी है और उनका मन परिवर्तन कैसे हुआ, और आज हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली एक सत्य जीवन जी करके सत्य ईश्वर की खोज कर पाए और उस सत्य ईश्वर को दुनिया को देने वाले एक सुसमाचार प्रचारिका बन करके वो घूम रही है। उनका नाम है निक्की किंग्सली। अमेरिका में रहती है लेकिन दुनिया के कोने कोने में जा करके आज अपना साक्ष्य देते हैं, ईसा मसीह सत्य ईश्वर है, ये घोषणा करते हैं। ये एक सवाल किया था, यदि स्वप्न में
मेरे स्वप्न में ईसा मसीह आते हैं, अल्लाह क्यों ईसा मसीह को भेजते हैं, मोहम्मद को क्यों नहीं भेजते हैं? मुझे सांत्वना देने के लिए मोहम्मद को क्यों नहीं भेजा, केवल ईसा मसीह को क्यों भेज रहा है? ऐसे ऐसे कई सवाल उनके जीवन को बदला है और सत्य की ओर सत्य का खोज करने का ये प्रेरणा ऐसे ऐसे सवालों के द्वारा शुरू किया। तब उन्हें पता चला जब बाइबल पढ़ा, बाइबल के रहस्यों को पढ़ा और हजारों वर्ष पहले जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा प्रभु ने जो घोषणा किया था वो सब के सब ईसा मसीह में पूरा हुआ। इस सत्य को जाना, ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में वो स्वीकार किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जिस प्रकार निक्की किंग्सली ने जो मुस्लिम विश्वास से, इस्लाम के जो विश्वास से उस कुरान में जो लिखा हुआ बात उनको उस सत्य की ओर, सत्य ईश्वर की ओर नहीं लेकर के गया, लेकिन उनका सत्य की खोज के उस यात्रा में ईसा मसीह के साथ जो एनकाउंटर हुआ और वो उनके जीवन को बदला, उनके जीवन में शांति आई, आनंद आया, खुशी आए, उन्होंने जो कुछ उनके जीवन में 40 काल में नष्ट किया वो सब उन्होंने प्राप्त किया। आइए हम भी एक निर्णय करें, हमें यीशु मिला है, सत्य ईश्वर मिला है, उस ईश्वर के अनुभव में, उस ईश्वर के समान बन करके जीने का निर्णय करें। प्रभु ने हम सबों को प्रभु के समान सृष्टि किया है, मुझे भी एक दूसरा मसीह बन करके रहना है। इसलिए बाइबल कहते हैं तुम देवदा हो, तुम ईश्वर हो। जी हां, ईश्वर चाहते हैं हम सब ईश्वर जैसे, ईश्वर का संतान बनकर के रहे, उस सत्य के मार्ग पर चले, ईमानदारी का मार्ग पर चले, पवित्रता के मार्ग पर चले, निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, हरेक परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे, रोज मिस्सा बलिदान में जाकर प्रभु को ग्रहण करने वाला और प्रभु जैसे जीवन जीने वाला बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।